Hello everyone, I hope you all are doing well. My name is Deepa. Today we are going to discuss about TS diagram, which is associated with oceanography. So let's get begin with our topic today. But before I start the session, if you are new to my channel, please channel ko subscribe aur share karna mat bhulna. Temperature salinity diagram ko padhne se pehle हम एक ज़रूरी कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि हाई सैलिनिटी मेक्स वाटर डेंसर, यानी कि सैलिनिटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही वाटर डेंस होगी और हाई टेम्परेचर मेक्स वाटर लेस डेंसर। टेम्परेचर जितनी हाई होगी उतना ही पानी गर्म होने की वजह से मॉलिक्यूल स्प्रेड आउट होगा और वो लेस डेंस होगी वाटर। तो TS डायग्राम, तो ये आपको समझ में आ गया। नाउ वी आर कमिंग टू दी नेक्स्ट पार्ट, TS डायग्राम। टेम्परेचर सैलिनिटी डायग्राम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे टेम्परेचर और सैलिनिटी को डेप्थ के साथ साथ दिखाया जाता है एक डायग्राम के थ्रू, यानी कि प्लॉटिंग की जाती है टेम्परेचर और सैलिनिटी की। यहाँ पे डायग्राम पे आपको दिख ही रहा होगा, एक तरफ टेम्परेचर और एक तरफ सैलिनिटी को दिखाया गया है। TS डायग्राम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जहाँ पे प्रेशर और डेप्थ एज अ वर्टिकल कोऑर्डिनेट यूज़ किया जाता है और टेम्परेचर और सैलिनिटी को किस तरीके से ओशन में हमें देखने को मिलता है वो दिखाया जाता है और या शो किया जाता है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, वी आर डन विद द सेशन टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।